हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज निकली हैं उसके लिए कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं आपको आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको मोबाइल से करके दिखाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बताता चलूँगा कि कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ पे कौन सी मिस्टेक को नहीं करना है और कैसे स्मूथली पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो मैंने पिछले वीडियो डाला था नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कल, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये कमेंट्स आए थे कि सर अपना आपने जो पेपर टू के लिए स्ट्रैटेजी फॉलो किया था उसको शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो बिल्कुल मैं पेपर टू की भी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, पेपर वन की भी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि काफ़ी सारे मैंने क्योंकि स्टूडेंट के कॉमेंट्स चेक किए तो कि क्या सर हम क्रैक कर सकते हैं, हमने हमारी उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन है नहीं, हम ग्रेजुएशन अपियरिंग में यानी कि हमारा फाइनल ईयर है, हमने तो उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन है नहीं हमारी, तो हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं फिर नहीं। बिल्कुल आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, अराउंड 3 महीने बाकी हैं, अप्रोप्रिएट टाइम है। ये तो नहीं बोले कि बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन हाँ अगर जो भी मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बोलूँगा करने के लिए स्टेप, देखो यहाँ पे मैं आपको पेपर वन के लिए भी पढ़ाऊँगा, पेपर टू के लिए भी पढ़ाऊँगा और मैं आपको कुछ होमवर्क भी डेली बेसिस पे, वो तो आपको करना ही पड़ेगा नो डाउट। सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करोगे तो भूल जाओ कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में सही रूट के थ्रू प्रिपरेशन करते हो और देखो जिसे पता है कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न होता है हर एग्जाम में, चाहे वो सीटीएस हो चाहे सीएपीएफ हो एनडीओ कोई भी एग्जाम हो, एक फिक्स पैटर्न भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। एसएससी का एग्जाम नहीं है, कुछ भी वो पूछ लेगा जीके में, फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। और पेपर वन और पेपर टू को अगर आपको सही स्ट्रैटेजी फॉलो करके प्रिपरेशन करते हो तो क्लियर किया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको भी अपने साइड से जितने भी, और ये मन से आप हटा दीजिए कि हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में अपियरिंग है हमारा, तो पहला अटैम्प्ट हम देखेंगे कैसा होता है, देखे नहीं देखेंगे। आप एकदम एग्रेसिव माइंडसेट में एग्जाम में बैठिए और एग्रेसिव माइंडसेट से प्रिपरेशन कीजिए। जो मैंने भी क्रैक किया था वो असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, दैट वाज जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था, अपियरिंग में था, तो वो आप भी कर सकते हो और 3 महीने की प्रिपरेशन में कर सकते हो। ठीक है, पहले तो इसका गाइडेंस उतना होता नहीं था, अब तो बहुत इसका गाइडेंस अवेलेबल है क्योंकि उतना ज़्यादा इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस था नहीं, लेकिन अभी अवेयरनेस है। जो भी मैं आपको चीज़ें यहाँ पे इस चैनल के थ्रू जो भी मैं आपको क्लासेस दूंगा उनको आप फॉलो करते रहिएगा, और जो भी जो मैं आपको डेली बेसिस पे करता हूँ होमवर्क करने के लिए बोलता हूँ और होमवर्क देता हूँ उसको आप बस रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, आप बाकी और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो पे जो मेन चीज़ है, मुद्दे की बात है, उस पे आते हैं, यानी कि ऑनलाइन आपको कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए मैं बता दूँ लास्ट डेट इसके लिए 10 मई है, लेकिन उसका इंतज़ार मत कीजिए, चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ और अप्लाई आप कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल, नहीं तो फिर लास्ट दिन याद आता है कि 11 तारीख को आपको याद आएगा कि कल लास्ट डेट तो निकल गई। खैर, अब यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, इस होम पेज पे आ जाना है आपको अगर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैसे आएंगे आप, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस होम पेज पे लैंड करोगे, यहाँ पे 4 पोस्ट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहे हैं। आपको पहले के लिए अप्लाई करना है सीपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक है फॉर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस खुल के आ जाएंगे, तकरीबन 20 इंस्ट्रक्शंस, इनको एक बार पढ़ लीजिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, सारी चीज़ें। ये पढ़ने के बाद आप येस पे क्लिक करेंगे, बिकॉज ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ये सारी चीज़ें समझ गए हो जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल येस। और ये आप एक बार आप पढ़ के सारी चीज़ें अप्लाई जो है येस पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन का पहला होम पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, कम्युनिटी, सारी चीज़ें भरनी है। देखो आप ऐसे तो है नहीं कि स्कूल गोइंग चाइल्ड हो और आपने कभी कोई फॉर्म भरा नहीं है, आपने फॉर्म भरे हैं राइट, तो ये नाम और इसमें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्या भरना है कैसे भरना है, बट हाँ कैसे भरना ये इंपॉर्टेंट है। देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ढंग से ध्यान रखना कि आप एक भी लेटर का मिस्टेक मत करना, 2 बार 3 बार जितनी बार चेक कर सकते हो उसको चेक कर लेना, बट मिस्टेक मत करना। मेन बस यहाँ पे मैं यही बता सकता हूँ, तुम्हारा जेंडर, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा नेम है तो तुम्हें खुद पता है और तुम्हें खुद ही भरना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ उसमें सलाह नहीं दे सकता हूँ, बस इतना मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ कि प्लीज़ हर चीज़ को एक बार चेक ज़रूर कर लेना, डबल चेक करना, क्योंकि आपने तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट को बोलते हैं कि सर ये हो गया मिस्टेक, आप क्या वो सही हो सकता है, तो उस सिचुएशन पे जाना ही क्यों, जब यहाँ पे आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो। और तभी मैं बोलता हूँ कि आप कैफ़े वाले के पास मत ही जाओ, खुद ही से भरो, और फ़ोन से भी इसको अप्लाई किया सकता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोसेस ये फ़ोन से करके ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं आपको फिल करके सेकेंड पार्ट में दिखाता हूँ कैसे आपको क्या करना है। कुछ चीज़ों का ध्यान ये रखना है आपको इसमें, जैसे कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो यहाँ पे अपीयरिंग डालेंगे, अगर आपने पास कर लिया है तो ऑलरेडी पास द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, फाइनल ईयर में है तो यहाँ पे अपीयरिंग का ऑप्शन आता है, मैं आपको चलो दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अपीयरिंग हैव अपीयर्ड इन एट द फाइनल ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, और अगर आपका पास हो चुका है तो इस पर,
और एड्रेस में ध्यान रखना है कि आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, ऐसा नहीं कि अगर आप कहीं पे अभी रह के तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए तो वो एड्रेस नहीं, जो आपका परमानेंट होम एड्रेस है वो डालना है। ये सब करने के बाद सबसे नीचे आपको एक कंटिन्यू का यहाँ पे बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। लेकिन उससे क्लिक करने से पहले एक बार देख लें सारी चीज़ें कि आपने नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें सही भरी हैं या फिर नहीं, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आएगा क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। तो अगर मान लीजिए कि आपको एज रिलैक्सेशन क्लेम करना है, जैसे आप ओबीसी जैसे, इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट है 25 होती है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को मिलता है, सीएसटी को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके क्लेम कर सकते हो अगर आपको करना है तो एज रिलैक्सेशन को। अगर नहीं करना है तो नो करके, यहाँ पे नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं कंटिन्यू। फिर यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, एक तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर लो, क्या आपको अपलोड करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपको अपलोड करना हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर उसका यहाँ पे आप नंबर डाल दो, जैसे कि आप पैन कार्ड है तो उसका नंबर, आधार कार्ड तो उसका नंबर, जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका नंबर। फिर यहाँ पे फिर से उस चीज़ को एंटर करना है, री एंटर करना है, ठीक है। और यही आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड जब आप पेपर देने जाओगे तो लेके जाना होगा ओरिजिनल फॉर्म में, चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे आता है मेन चीज़, वो मेन चीज़ है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऐसे कॉम्पोनेंट ऑफ पेपर 2। पेपर 2 के निबंध भाग के लिए परीक्षा का माध्यम क्या होगा, इंग्लिश होगा या फिर हिंदी होगा। यानी कि आप ऐसे जो है अपना, जो पेपर 2 में ऐसे आते हैं, 4 ऐसे आपको लिखने पड़ते हैं, 6 ऐसे आते हैं, 6 में से 4 लिखने पड़ते हैं, वो आप किस लैंग्वेज में लिखोगे, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। मेक श्योर वही आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आप लिखने वाले हो, बिकॉज वही मान्य होगा। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में सेलेक्ट करके हिंदी में लिख देते हो या फिर हिंदी से सेलेक्ट करके इंग्लिश में लिख देते हो, ऐसे वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे वही भरें जिस मीडियम में आप ऐसे को लिखने वाले हो, ठीक। यानी कि दोनों में अलाउड है लिखना, हिंदी और इंग्लिश में ऐसे। फिर यहाँ पे आता है एक्स सर्विस मैन, तो आप क्या एक्स सर्विस मैन हैं फिर नहीं, तो यहाँ पे आप नहीं भरिए अगर आप नहीं हैं तो। और यहाँ पे आता है डू यू फाइनली सेलेक्टेड और रिकमेंडेड एन अर्लियर एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, क्या आपने असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम को फाइनली यानी कि फाइनल स्टेज तक क्लियर किया है, तो यहाँ पे आपको भरना है नहीं। क्यों नहीं भरना है, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे हाँ भर दिया, वैसे तो उम्मीद करता हूँ आपने क्रैक नहीं किया ही नहीं किया होगा, लेकिन इसमें इस वजह से भरा जाता है बिकॉज अगर किसी ने भी फाइनल असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन क्रैक किया है और तो वो फिर से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए। इसमें ये एक रूल होता है, जैसे कि हम बाकी एग्जाम्स में देखते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, आप बहुत लोगों को IRS की पोस्ट मिल जाती है, फिर वो IPS बनते हैं, फिर से एग्ज़ाम देके फिर वो IAS बनते हैं, तो यानी कि उसमें री एग्ज़ाम आप दे सकते हो, बट असिस्टेंट कमांडेंट का आप फिर से एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप एक ऐसे पेज में आ जाओगे जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने होंगी जो अभी तक आपने भरी है, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें जो भी अभी आपने डिटेल्स भरी हो। ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस वो मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ, बट जो पेज में हूँ मैं अभी करेंटली, उसमें सारी चीज़ें ऐसे ही आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपके पास लास्ट मौका है, इस पे अगर कोई भी चेंज करना है, कोई भी अपडेट करना है, वो यहाँ पे आप अपडेट पे क्लिक करके कर सकते हो। जैसे आपने नेम अगर आपको लगता है गलत भर गया आपका, एक बार आप उसको चेक कर लो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ गलत भर गया, तो अपडेट पे क्लिक करके उसको आप कर सकते हो। नहीं है सारी चीज़ें सही हैं, तो यहाँ पे आप ये जो कैप्चा है इसको फिलअप करो यहाँ पे और आई एग्री पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करो। आप इस कैप्चा को एंटर कीजिए और आई एग्री पे क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा, वंस यू एग्री नो चेंजेस विल बी परमिसिबल इन पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। यानी कि अगर आप यहाँ पे आगे, यानी कि एक बार और फिर से ही आपसे पूछ रहा है कि क्या आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप आगे प्रोसीड कर गए तो पार्ट 1 में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इस वजह से फिर से उसको ढंग से एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आपने एंटर किया और आपकी ईमेल आईडी पे एक आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, और जिस पेज में अभी मैं करंटली हूँ यहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया, अब यहाँ पे आप पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन जो नंबर आपको मिला है पार्ट 1 में, ये आपका फर्दर काम आएगा। जब आप पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पार्ट 1 फिलअप करने के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला है उसको आपको एंटर करना होगा। तो पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पर हमको क्लिक करना है। तो जो लोग मोबाइल से यहाँ पे अभी तक फॉर्म भर रहे थे, तो उनके सामने हो सकता है कि एक ऐसा मैसेज लिख के आए कि पार्ट 2 ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कुड ओनली बी एक्सेस्ड यूजिंग कंप्यूटर, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स, एंड इट इज़ एडवाइज नॉट टू यूज़ मोबाइल फ़ोन टू अप्लाई।
कुछ नहीं, आपको इस करना क्या है, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ये एरो ठीक है, इस पर क्लिक करना है, या फिर हो सकता है वो तीन डॉट के फॉर्म में आपको दिखाई दे, ठीक है, तो उन तीन डॉट पे क्लिक करना, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्रोम को अपडेट नहीं कर रखा है, इस वजह से ये एरो आ रहा है, अगर आपका अपडेटेड होगा तो वो तीन डॉट बन के आ रहा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। कुछ नहीं, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट लगा लेना है, क्या लगाना है, डेस्कटॉप साइट, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पार्ट टू रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो है पेज खुल जाएगा, ठीक है। अभी वो क्या था कि मोबाइल वर्जन में खुला था, अभी डेस्कटॉप वर्जन में खुला है, तो ये आपको परमिट करेगा फॉर्म भरने के लिए। कोई चिंता मत कीजिएगा कि उसने मना किया था कि मोबाइल से मत भरो, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो डेस्कटॉप वर्जन लगा के, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जो अभी आपको मिली थी वो एंटर करनी, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी, और ये जो कैप्चा है यहाँ पे उसको एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, अब आपको करना होगा फ़ी का पेमेंट, ठीक है, जो आपको पता है कितना करना होगा, आपके सामने आ जाएगा। जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल EWS OBC तो आपको 200 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट करना होगा, तो आप किसी भी मोड से कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे सक्सेसफुली, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस लिख के आ जाएगा, और अब आपको फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है फोटो साइन और फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करने के लिए। यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा कंटिन्यू का बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको तीन चीज़ें अपलोड करनी है, एक तो अपना स्कैंड फोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर और स्कैंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट। फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट वही होना चाहिए जो भी आपने एंटर किया था, जैसे अभी आधार कार्ड मैंने आपको एंटर करके दिखाया था, तो यहाँ पे आधार कार्ड आपको डालना है। अगर आपने पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने एंटर किया था वहाँ पे, वो ही उसी का ही आपको स्कैंड फोटो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अपना खुद का फोटो फोटोग्राफ और ध्यान रखिएगा वही फोटोग्राफ डालिएगा जो वहाँ पे आप कैरी करके जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ये तो नहीं बोलूँ कि नहीं प्रॉब्लम होगा, आपको होगा ही होगा, बट क्यों रिस्क लेना जब आपके पास जो फोटो है, जो आपके पास तकरीबन 10-15 फोटोज़ हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल आप जैसे एग्ज़ाम क्लियर, पहले तो एग्ज़ाम में नहीं होगा, एग्ज़ाम क्लियर कर ले तो उसके बाद ना जाने कितनी फ़ोटो आपको लगेंगी, फिज़िकल देने जाओगे वहाँ फ़ोटो लगेंगी, इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ फ़ोटो लगेंगी, तो बहुत सारी फ़ोटोज़ लगने वाली। इस वजह से आप फ़ोटोज़ जितने आपके पास हों, वैसे तो फ़ोटो फिर से बन जाती हैं, बट एटलीस्ट 4-5 तो फ़ोटोज़ की हुई, ठीक, और वो लेटेस्ट हो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जैसे ये तीनों चीज़ें आप फिल कर लेते हो, अपना स्कैंड फोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर और स्कैंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको सबमिट पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आपका अपलोड इमेज करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने अपलोड इमेज पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे कि अपलोड योर स्कैंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड विच यू हैव सेलेक्टेड इन पार्ट वन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि कुछ भी अगर कहीं ये आगे नहीं पढ़ता है तो यानी किसी ना किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, या तो आपका स्कैन फोटोग्राफ में, सिग्नेचर में, फिर स्कैन फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट में किस में प्रॉब्लम है, जहाँ पे अपलोड इमेज करने के बाद जहाँ पे भी रेड कलर से कुछ भी लिख के आएगा, यानी उसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्लिक हेयर करके यहाँ पे आप वो चेक कर सकते हो कि इसमें कितना साइज़ एप्लीकेबल है, जैसे कि 30 KB से कम नहीं, 300 KB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, और ये जो आप स्कैन फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो ये PDF फॉर्म में होना चाहिए, ये जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे जहाँ पे भी आपका कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ पे लिख के आएगा, ठीक है, जैसे आपने अभी अपलोड इमेज पे क्लिक किया तो वो आगे इसलिए नहीं बढ़ा बिकॉज एरर इन अपलोडिंग द सिग्नेचर दिखा रहा है, यानी कि जो साइन फाइल है उसका विड्थ जो है 1000 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जो मैंने अपलोड किया होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे वो एरर दिखा रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपलोड इमेज क्लिक करके कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है वो यहाँ पे लिख के वो आ जाएगा प्रॉब्लम, बाकी यहाँ पे जैसे मैंने बताया क्लिक हेयर करके आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि कितना इमेज कितना साइज परमिसेबल है। ये सब करने के बाद आप जैसे उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फोटो साइन और फोटो एंटी कार्ड अपलोड करने के बाद, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने पे, फोटो एंटी कार्ड का यहाँ पे आपको आईडी नंबर डालना पड़ेगा, जो भी अभी आपने आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी एंटर किया था उसका फोटो एंटी कार्ड आईडी नंबर फिर से डालना होगा, और यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुनना होगा आपको, जो भी आप सेंटर चुन सकते हो, ठीक है, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा। अगर आप बहुत लास्ट में इसको भरते हो तो हो सकता है कि आपको पहले प्रेफरेंस ना मिले, ठीक है, तो इस वजह से जितना जल्दी हो सके इसको फिल कर दें विद योर फर्स्ट प्रेफरेंस, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है नीचे, जैसे आप स्क्रॉल करोगे नीचे स्क्रॉल करने पे आई हैव रेड डिक्लेरेशन एंड एग्री, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे एंटर करने के बाद आपका पूरा प्रोसेस जो है अभी कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं और जो भी करना है वो कर सकते हैं, बिकॉज आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे स्टेप जो मैंने यहाँ पे आपको बताए वो समझ गए होंगे। कहीं पे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी पेपर वन की स्ट्रैटेजी, पेपर टू की स्ट्रैटेजी का जो वीडियो है जल्दी आप लोगों को मिलने वाला, मोस्ट प्रोबेबली मैं आज ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो कल तक तो आपको मिल ही जाएगा। और बाकी प्रिपरेशन कैसे मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, चाहे पेपर वन हो पेपर टू हो, वो भी पूरा शेड्यूल जो है मैं आपको देने वाला हूँ जल्दी। तो जितनी भी मैं आपको चीज़ें यहाँ पर बोलूँगा, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे मैं आपको चीज़ें करवाऊंगा, बस आपको उतना करते जाना है एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2022। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके इसको शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।